पिछले दिनों गाजीपुर में भी एक साथ कई कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से कई नए हॉटस्पॉट बन गए हैं। इसे लेकर जिले भर के लोग सशंकित हो उठे हैं। जिला प्रशासन भी लोगों से लगातार सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। गाजीपुर के आसपास के जिलों का भी हाल कमोबेश ऐसा ही है। आइए आपको बताते हैं कि बीमारी का कहां कितना असर है। शनिवार को वाराणसी में एक कोरोना संक्रमित बुजुर्ग मरीज की मौत हो गई। अब तक कोरोना से काशी में 3 लोगों की मौत हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार तक वाराणसी में कोरोना मरीजों की संख्या 94 तक पहुंच चुकी है। इसी तरह शनिवार को मिर्जापुर में भी कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं। यहां एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गाजीपुर के पड़ोसी जिले आजमगढ़ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को यहां कोरोना संक्रमण के 2 नए मामले मिले हैं। आजमगढ़ में एक शख्स की शुक्रवार को मौत हो गई। शनिवार को इनकी टेस्ट रिपोर्ट आई तो पता चला कि वे कोरोना संक्रमित थे। ठीक इसी तरह पूर्वांचल के 2 अहम जिलों चंदौली में 4 और भदोही में कोरोना संक्रमण के 2 मामले पाए गए हैं। आप देख रहे हैं कि गाजीपुर समेत आसपास के जिलों में भी लगातार कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सभी का सतर्क रहना और लॉकडाउन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। कोरोना से अपने बचाव के लिए साफ सफाई का खास ख्याल रखें। दिन में कई बार अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। बाहर जब भी निकलें तो घर पर बने मास्क या बाजार से मिलने वाले मास्क को पहनकर ही निकलें। आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो गाइडलाइंस जारी की हैं उनका पालन जरूर करें। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।